एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो करवा चौथ की तैयारी आप सभी लोगों की कैसी चल रही है? आई होप आप सब लोग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और हाँ, यहाँ पे आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक सॉफ्ट न्यूड और बिल्कुल न्यू लुक जो कि आप करवा चौथ पे कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, और न्यूड के साथ साथ आप चाहते हो आपका फेस ग्लोइंग भी लगे और कुछ पिंकिश टोन में अगर आप चाहते हो, अगर कुछ पिंक आउटफिट अगर आपका है, तो इस तरह का आप मेकअप लुक कर सकते हो। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना CTM प्रोसेस। CTM मतलब कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सो यहाँ पे मैंने जो टोनर लिया है वो लिया था मैंने मॉम्स को करके जो था, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था जस्ट हर्ब्स का। और क्लींजिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, आप चाहे तो वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं अपना फेस। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये मेकअप प्राइमर, और जो कि हमारे बेस को फ्लॉलेस बनाएगा और हमारे बेस को टिके रहने देगा, और जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर हमारा फाउंडेशन नहीं जाएगा, उसको वो अच्छे से सेट कर देगा। सो यहाँ पे मैंने अब लिप बाम लगा रही हूँ मैं, और जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे हाथ इतने ज़्यादा ऑयली चिपचिपे से मतलब हो गए थे ना क्रीम लगाने के बाद, प्राइमर लगाने के बाद, तो मेरे से ना उसकी ढक्कन जो है ना उसकी कैप नहीं खुल रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है। सो गाइज, लिप्स को ना हाइड्रेट आप पहले ही कर लिया करो, जिससे कि जब आप लिपस्टिक लगाओ तो तब तक हमारे जो लिप्स में जो अगर ड्राइनेस होगी ना, तो वो जो हम लिप बाम लगाएंगे तो वो ऑलरेडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमारे लिप्स जो ड्राई होंगे। और इससे क्या होगा, जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो हमारे जो लिप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा चैपी से नहीं लगेंगे, हमारी जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगेगी हमारे लिप्स पे। सो इसलिए अगर आप क्रीम लिपस्टिक लगा रहे हो तो आप ये चीज़ चाहे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम जो लिपस्टिक होती है वो ऑलरेडी उसमें क्रीमी सा होता है, बट जो वो वाली लिपस्टिक होती है ना हमारी लिक्विड लिपस्टिक, वो थोड़ी सी ड्राई होती है, और तो उसको लगाने से पहले तो इसलिए ज़रूरी होता है लगाना। और यहाँ पे आपने देखा जैसे कि मैंने अपने लेंसेज लगा लिए हैं, और लेंसेज लगाने के लिए मुझे बड़ी वो करनी पड़ती है, मुश्किल कहने का मतलब है कि लग तो जाते हैं, इजीली लग जाते हैं, पर थोड़ा सा आइस के ऊपर थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा जोर पड़ता है आइस पे। और यहाँ पे मैं आपको अपनी किट दिखा रही थी जो मैंने लेंस के लिए स्पेशली न्यू ली है, मैंने अमेजोन से ली थी ये वाली किट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी प्यारी सी लगी कि पर्स में रखने के लिए, कहीं पे भी ट्रैवलिंग के लिए भी बड़ी अच्छी है। इसके अंदर लेंस रखो छोटा सा, आपको एक दे रखी थी एक छोटी सी शीशी जिसमें आप अपना सॉल्यूशन डाल सकते हो, और लेंस को जैसे गंदे हाथ होते हैं उससे नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए उसमें एप्लीकेटर भी दे रखा था कि आप किस तरह से लेंस को अप्लाई करें। और यहाँ पे मैं अब मैंने जो प्राइमर है ना दोबारा से अपनी आइज पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि हम जैसे मैंने लेंस लगाया तो मुझे थोड़े से टीयर्स वगैरह मतलब आंसू वगैरह आ गए थे, तो उससे थोड़ा सा मैंने पोछा था, क्लीन करा था जो मेरे काजल वगैरह थोड़ा सा निकला था, तो इसलिए। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मैं सबसे पहले आज आई मेकअप करने वाली हूँ, तो आईज़ पे मैंने लगा लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, मैंने जो येलो वाला जो कंसीलर था ना तो वो थोड़ा लाइट टोन में होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आईज़ पे अप्लाई कर लिया, जिससे कि जो हम आई का मेकअप करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यूड मेकअप न्यूड जो कलर्स हैं उनको यूज़ करना है, तो वो एकदम से उभर के दिखे, इसलिए मैंने अपनी आईज़ को पहले कंसील कर लिया है, जिससे कि जो भी कलर्स हम लगाएं तो वो एकदम से उभर के दिखे। और मैं जो कलर्स अप्लाई करूँगी ना अपनी आईज़ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट यूज़ करूँगी, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप ये दिन में मेकअप करना चाहते हो या रात में मेकअप करना चाहते हो आप कभी भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत सटल सा मेकअप और ग्लोई ड्यूई सा भी चाहिए, तो वो इस तरह का मेकअप कर सकते हैं। सो पहले कंसीलर लगाया, उसके बाद मैंने पाउडर से उसको सेट कर लिया था। और अब मैंने लिया यहाँ पे हुडा ब्यूटी की रीमास्टर्ड गोल्ड पैलेट, जिसमें से मैंने जो आपको शेड दिखाया था वो मैं अपनी पूरी जो क्रीज लाइन है ना उसको हल्का हल्का बिल्ड कर लूँगी, बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्ड करेंगे, क्योंकि हम जो अपने आईज़ का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सटल न्यूड रखने वाले हैं, कुछ भी हार्ड नहीं करने वाले, डार्क मेकअप नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा मेकअप होगा, बिल्कुल सटल सा मेकअप होगा, जिसे आप डे नाइट दोनों में कैरी कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। और जो लोग एक ही बार मेकअप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या हल्का सा आपने कुछ इसमें, जैसे मैंने लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट रखी है, क्यों, क्योंकि मैंने मेन फोकस इसलिए करा है कि मैंने सोचा है कि अगर आप डे लुक में करना चाहते हो ना इस मेकअप को, तो लिपस्टिक लाइट रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप नाइट में करोगे तो इसमें लिपस्टिक जो होगी ना आपकी वो थोड़ी डार्क कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी आईज़ भी न्यूड है तो
हम लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क कर देंगे तो अच्छा लगेगा। बट मैंने ये मेकअप दिन का किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप मैंने रखा है, तो मैंने इसमें बहुत न्यूड कलर्स का यूज़ किया है। सो यहाँ पर हम अपनी आईज़ को, और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मुझे पता है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी बात कि आप लोग समझ जाओ। और हाँ, यहाँ पे मैंने अपने फिंगर की हेल्प से जो ग्लिटर वाला, जो थोड़ा सा शिमरी वाला जो शेड था ना पिंक में, पिंक लाइट पिंक सा, बेबी पिंक सा जो शेड है वो मैंने अप्लाई किया है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था आई में मेकअप जो है मेरा। मतलब कैमरा इतना ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं निकाल पाता है, बट जो मेकअप इतना सुंदर लग रहा था। और हाँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी वो पिंक और ग्रीन थी। अगर आपकी जो ड्रेस है वो जिस कलर की, आप उस तरह का कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने गोल्डन का यूज़ किया था अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा, क्योंकि जैसे हमारा गोल्डन वर्क है, अगर आपकी ड्रेस में सिल्वर वर्क है तो आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स का यूज़ किया करो गाइस, उसके हिसाब से, वरना आपका जो मेकअप है वो मेकअप अलग हो जाएगा और ड्रेस अलग हो जाएगी। इसलिए जो जिस वर्क का आपके ड्रेस में काम हो रखा होता है ना, जैसे जिसमें, जैसे किसी की ड्रेस में सिल्वरिश का काम हो रखा था, गोल्डन का नहीं हो रखा था, तो वो सिल्वर कलर यूज़ करें। जिसकी ड्रेस में गोल्डन का काम हो रखा हो सकता है तो वो गोल्डन का यूज़ करें, ऐसे अलग अलग नहीं करना हमें बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरा जो ड्रेस है, जो मैंने सूट पहना है वो है बेबी पिंक और ग्रीन कलर। तो मैंने जो अपने आईज़ के जो कॉर्नर्स है ना, आउटर कॉर्नर्स, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया था, बहुत लाइट लाइट। और यहाँ पे मैंने अपर वाटर लाइन में काजल लगा लिया है जिससे कि वो सूना सूना ना लगे हमारी आईज़ जो है। मैंने आपको बताया कि बहुत सुंदर लगता है, आप अब अंदर की साइड से अगर काजल ऊपर वाली साइड भी लगाओ ना, मतलब वहाँ पे तो। और यहाँ पे मैंने लिया है इन कलर का, ये मैंने ले लिया है पेन वाला आईलाइनर, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, इससे तो मेरा 2 मिनट के अंदर लग गया था लाइनर, वरना मुझे तो बड़ी मेहनत लगती है आईलाइनर लगाते वक्त। क्यों? क्योंकि मेरा एक साइड का कुछ और हो जाता है, एक साइड का कुछ और हो जाता है, और उसको एक दूसरे को बराबर करने के चक्कर में मेरा जो आईलाइनर है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। वैसे मेरे ऊपर आईलाइनर मोटा भी अच्छा लगता है, जो थोड़ा थिक थिक सा आईलाइनर होता है। बट ये वाला जो था ना, ये पेन वाला, इससे मैंने एक ही बार लगाई, स्ट्रोक लगाई, 2 बार लगाई, और वो दोनों एक बारी में ही मैच हो गई और जल्दी से मेरा मेकअप लुक हो गया था। तो क्योंकि मेरे को आईलाइनर में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आईलाइनर को कोशिश करती हूँ मैं ना ही लगाऊँ। मैं हमेशा काजल का यूज़ करती हूँ, काजल लगाती हूँ और उसको ब्लेंड कर देती हूँ। उससे एक तो आजकल चल भी यही रहा है वैसे, जितने मेकअप जो भी हमारे एक्ट्रेस हैं ना, वो आजकल इसी तरह का मेकअप करते हैं, वो लोग लाइनर कम यूज़ करते हैं, जो काजल का या फिर मतलब कि थोड़ा सा जो होता है ना स्मोकी लुक, वो हो जाता है क्रिएट। और उसके बाद अब मेरा आईलाइनर भी लग गया, पर हम लोग थोड़ा सा अच्छा एडवांस मेकअप कर रहे हैं ना, क्योंकि करवा चौथ का मेकअप तो थोड़ा दिखना भी चाहिए थोड़ा बहुत। सो यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रो, आईब्रो मैं बस सेट कर रही हूँ अपनी, और आईब्रो के बाद, हाँ मैंने आईब्रो सेट कर लिया है, और उसके बाद अब मैं जो लोअर वाटर लाइन है वहाँ पे हम वही जो हमने पिंकिश का जो शेड लिया था ना, वो मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि हमारे जो आईज़ की ऊपर वाली साइड तो हमारी कवर हो गई और नीचे वाली साइड बिल्कुल सुनी सुनी भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे भी कवर कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। सो मस्कारा लगाने से पहले आप इस तरह का जो आईलैश कर्लर है ना, वो यूज़ करा करें। उससे क्या होता है, जो मस्कारा जो हम लगाते हैं ना, वो इजीली हमारी आईज़ जो है ना अपलिफ्टेड लगती हैं, और ज़्यादा मस्कारा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बहुत सारा मस्कारा लगाते हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो ऑलरेडी पहले ही अपलिफ्ट हो जाती है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो यहाँ पे मैंने लगा लिया है लैक्मी का आइकॉनिक मस्कारा, और इसके 2 कोट ही लगाए थे मैंने, पहले एक कोट जब ड्राई हो जाए उसके बाद दूसरा कोट लगाएंगे, और लोअर लैशेस पे भी हम यही अप्लाई कर लेंगे, जिससे कि हमारी आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। ऐसा ना कि आप ऊपर लगा लो और नीचे का फिर वो खाली खाली सूना सूना सा लगेगा, इसलिए दोनों साइड लगा लेंगे, ठीक है ना गाइज। और यहाँ पे मेरा आईज़ जो है, आईज़ का मेकअप लुक जो है वो बिल्कुल डन हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे अपना बेस मेकअप। तो बेस मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर, जो कि मैंने लिया है इन साइड्स का। और
कलर करेक्टर, अगर आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है, अगर इतनी अच्छी आपकी स्किन है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर ना लगाएं, बट थोड़े बहुत तो वैसे दाग धब्बे सभी के होते ही हैं। तो अगर आप चाहते हो ना आपका जो फेस है बिल्कुल ऑल ओवर एक जैसा लगे, तो आप कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ करें अपने अपने स्किन पे पहले, मतलब फाउंडेशन लगाने से पहले। इससे पता क्या होता है, जैसे हम सीधे फाउंडेशन लगा लेते हैं तो जैसे हमारे जहाँ पे दाग धब्बे होते हैं ना, तो वो अलग से ग्रे ग्रे से लगते हैं, क्योंकि बाकी की स्किन तो हमारी ऑल ओवर ठीक है, बट जहाँ पे हमारे काले निशान हो गए, कोई ब्लैक स्पॉट्स हो गए, कोई एक्ने हो गए, कोई कुछ हो गया, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाती है ना स्किन। तो इसकी वजह से जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो क्या होता है, हमारी वहाँ पे ग्रे ग्रे सा लगता है, और हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा बेस बहुत अच्छा लगे, है ना। तो नेचुरल लुक देने के लिए उस, मतलब बहुत अच्छा जो हमारा बेस मेकअप है वो करने के लिए हमें ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाना पड़ता है, जिससे कि जो दाग धब्बे हैं वो न्यूट्रल हो जाएँ, और उसके बाद हम अपना फाउंडेशन लगाएँ तो वो हमारा बैलेंस हो जाए, ठीक है ना गाइज। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी, मेरा शेड है 115 आइवरी, और यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे अभी ब्रश के साथ लगाना बहुत ही ज़्यादा आजकल अच्छा लग रहा है, और पटाखे फूट रहे हैं पीछे से, आपको आवाज़ आ रही होगी, दिवाली की भी तैयारी शुरू हो गई है, है ना, दिवाली की सफाइयाँ तो चल ही रही हैं सबके घरों में। और यहाँ पे हाँ, मैं बात कर रही थी मेकअप की, तो हम फेस के साथ साथ नेक को ना भूलें, नेक को भी हम कवर कर लेंगे, ईयर्स को भी कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फेस को तो बहुत सुंदर बना लिया, बट आपकी नेक और आपके जो ईयर्स हैं ना वो अलग अलग दिख रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि आपने कितना मेकअप किया है। सो इसलिए ऑल ओवर हमें पूरा ध्यान देना है कि हमारी नेक, हमारा फेस, हमारे ईयर्स सब एक जैसे लगने चाहिए। और अब हाँ हम इसके बाद क्या करेंगे, कॉन्टोरिंग, जिससे कि हमारा जो चेहरा है वो गोलगप्पे जैसा ना लगे, कि इतना आपने वाइट कर दिया अपने फेस को कि वो गोलगप्पे जैसा लग रहा है, कोई आपके फीचर्स नहीं समझ में आ रहे। तो इसलिए हम कॉन्टोरिंग करेंगे, अपने फेस को कट देंगे कि हम भाई हमारा फेस जो है वो गोलगप्पा नहीं है, वो बहुत पतला सा है, सुंदर सा है, ठीक है ना। तो हमने नोज़ को कॉन्टोर करेंगे हमारी, जिससे कि नाक जो है वो तीखी लंबी लगे, और इसके बाद हम अपने फेस को कट देंगे। तो जिस तरह से कट देना है मैंने आपको बार बार सिखाया है, और इस वीडियो में भी सिखा ही रही हूँ आपको मैं कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने फेस को सेट कर लेंगे पाउडर की हेल्प से। कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो अप्लाई कर लें पूरे फेस को, पूरे फेस को कवर कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा बेस है वो स्वेटिंग ना हो, या जो भी मर्जी, मतलब हमारा फेस का जो मेकअप है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे पाउडर की हेल्प से, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। तो ब्लशर आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे मेरी पिंक कलर की ड्रेस थी तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का ही ब्लशर लगा रही हूँ। अगर आपकी ड्रेस पीच शेड में है, ब्राउन शेड में है, तो आप वहाँ पे कोरल जो होते हैं ना शेड्स, वैसे वाले यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मेरा पिंक था, लाइट पिंक, बेबी पिंक सा मेरा ड्रेस है, ठीक है ना। मैं अभी ड्रेस चेंज करूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ब्लशर लगा लिया। अगर जैसे आपकी रेड कलर की ड्रेस है ना, तो रेड कलर की ड्रेस में आप पीच लगाओगे तो अच्छा लगेगा, और ब्राउन भी लगाओगे, मतलब ब्राउन कहने का मतलब है कि थोड़ा न्यूट्रल शेड में जाओगे तो अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हमने अब लगा लिया है हाइलाइटर, और हाइलाइटर आपको पता है मेरा वन एंड ओनली फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। और हाँ, मेबलिन का मास्टर स्ट्रोब वाला भी, मास्टर स्ट्रोब नहीं, मास्टर को मैं क्या है उसका नाम, मास्टर वकर के कुछ इस तरह से है उसका, मेबलिन का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट ये तो मेरा वन एंड ओनली फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मेरे को 5 ईयर्स हो गए इसको यूज़ करते करते। ये मतलब ऐसा है कि एक बार आप चीज़ ले लो और इसके बाद तो ये ख़त्म ही नहीं होती है, आई एम ऑब्सेस्ड हो गई हूँ मैं इसकी। और इतना अच्छा मुझे इसका इफ़ेक्ट आता है, इतना अच्छा मेरा ग्लो आता है ना पूरा मेकअप में, मतलब ये 4 चांद लगा देता है हाइलाइटर। अगर आपकी किट में नहीं है ना गाइस, तो इसे प्लीज़ इसको रख लो, इसको इस बार तो करवा चौथ पे ज़रूर ख़रीद लो, ठीक है। और बीच बीच में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती है मेरे वॉइस ओवर करते वक्त, तब तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे पूरी वॉइस ओवर काट के फिर मैं दोबारा करूँगी तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, है ना। और देखो, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मिस रोज़ की बिल्कुल न्यूड पिंक शेड की लिपस्टिक। तो यहाँ पे आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर आपने रेड कलर की ड्रेस पहनी है तो आप ब्राउन टोन में जाएंगे, ठीक है ना गाइस, बिल्कुल जो न्यूड ब्राउन शेड होता है ना उस शेड में जाएंगे। वैसे आप न्यूड पिंक लगाओगे तो भी कॉम्बिनेशन चलता है, आजकल पिंक के साथ रेड का भी बहुत कॉम्बिनेशन चल रहा है।
और करवा चौथ लुक कर रहे हैं, बिंदी ज़रूर लगाएं और मांग ज़रूर भरें, क्योंकि देखो भाई आजकल के फैशन में हम लोग मांग मूंग तो पूरी पूरी भरते नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है और हम लोग भी ऐसे ही है, वैसे हमें भरनी तो चाहिए मांग, है ना। बट मुझे पता है आजकल के हम लोग बहुत फैशनेबल हो गए हैं, तो जीन्स के साथ ड्रेस के साथ इतना सब कुछ हम इतना मांग मूंग नहीं भरते हैं, बट करवा चौथ लुक है ना, तो इसलिए हम इसको ऊपर तक मांग भरेंगे और पूरे दिखाएंगे हम कितने सुंदर लगते हैं मांग भर के भी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का ही मेकअप फिक्सर यूज़ कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम दूरी से मेकअप फिक्सर को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना गाइज, जिससे कि हमारा मेकअप जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और जैसा का वैसा ही रहे जैसा हमने किया है, ओके गाइज। एंड यस, मेरा मेकअप लुक जो है वो डन है और अब मैं यहाँ पे पहन रही हूँ अपने इयररिंग्स, और ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए थे दिल्ली से जब मैं अपने मायके गई थी ना, मेरा दिल्ली में है मायका, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता रही हूँ मैं। और मैंने, मेरा गले में ना अब दर्द हो गया है बोल बोल के, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस भी चेंज कर लिया गाइज, और ये देखिए ये है मेरी ड्रेस, बेबी पिंक कलर की है और ये इसके साथ है ग्रीन कलर के साथ, मतलब कॉम्बिनेशन है। और मैंने इसके साथ जो इयररिंग्स डाले हैं ना वो कुछ पिंक ग्रीन, इसमें कुछ मल्टी कलर्स हैं, तो ये मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो और दिखाई है, जैसे कि मैंने जब लेंस निकाल लिए थे ना तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो लोग लेंस नहीं भी लगा रहे हैं तो उनके साथ जो ये मेकअप लुक है वो कैसा लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो अपना लिपर है ना वो थोड़ा सा डार्क कर लिया था, क्योंकि वो न्यूड मुझे कुछ ज़्यादा ही न्यूड लगने लग गया था मतलब, और थोड़ा सा ड्राई भी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लैक्मी की जो ये वाला जो शेड है ना, ये बहुत देखने में ऐसा लगता है ज़्यादा डार्क है, जब आपको मैं दिखा रही थी ना तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पर्पल पर्पल सा शेड है, बट उसको लगाते हैं ना तो बहुत ग्लॉसी सा इफेक्ट आता है और बहुत लाइट इफेक्ट आता है। और यहाँ पे मेरा मेकअप लुक जो है वो बिल्कुल डन है, ये लेंस के साथ है और बिना लेंस के साथ भी मैंने आपको मेकअप लुक अपना दिखा दिया। जब अपना मेकअप उतारने लगी थी, लेंस निकाले, इयररिंग्स निकाले, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ कि भाई बिना लेंस के भी अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक, ठीक है ना। और गाइज मेरा मेकअप लुक डन है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। मेकअप की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।